नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत। नगर निगम एरिया की 25 कॉलोनियां नियमित की जाएंगी। हरियाणा सरकार 2021 तक कट चुकी कॉलोनियों को नियमित करने जा रही है। सरकार के इस फैसले से मध्य वर्ग को बहुत बड़ी राहत भी मिलेगी, जिन्होंने तिनका तिनका जुगाड़ करके अवैध कॉलोनियों में प्लॉट लेकर मकान बनाए हैं। अब उनके मकान नहीं टूटेंगे। राहत की सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहां कहीं 10% तक मकान बन चुके हैं, वो भी नियमित की जाएंगी। इसके अलावा निगम की ओर से सर्वे भी करवाया जाएगा। इसके बाद इन कॉलोनियों के नाम भी तय किए जाएंगे। 2018 में 78 कॉलोनियों को वैध किया गया था, लेकिन तब शर्त ये थी कि कम से कम 50% आबादी बसी हो। उस शर्त की वजह से ही पानीपत की 20 कॉलोनियां नियमित होने से वंचित रह गई थी। अब सरकार नियम में ढील देकर लोगों को बड़ी राहत देने जा रही है। शहर की ये कॉलोनियां नियमित होने के बाद इनमें डेवलपमेंट वर्क भी किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार वार्ड 21 एरिया में विराट नगर फेज 3 और हिमांशु नर्सरी, वार्ड 18 में न्यू मुखीजा कॉलोनी और न्यू आर के पुरम, असंध रोड एरिया में नहर पार्क विर्क नगर के साथ लगती कॉलोनी और ज्योति नगर 1, मॉडल टाउन के साथ लगते सावन पार्क का कुछ एरिया, वार्ड 24 में गोपाल कॉलोनी 2, वार्ड 26 में सेक्टर 6 के पीछे रेलवे लाइन पार, वार्ड 13 में संत नगर का कुछ हिस्सा, वार्ड 12 में धूप सिंह नगर, विद्यानंद कॉलोनी के साथ लगती सिवाखेड़ी, आर्य नगर और बलजीत नगर का कुछ हिस्सा, वार्ड 6 एरिया में जगदीश नगर, भारत नगर और दलबीर नगर के कुछ खसरा नंबर छूट गए थे, जो सारे अब नियमित होंगे। लेकिन डेज होटल के पीछे का एरिया निगम अभी भी इनमें डेवलपमेंट के लिए बजट नहीं दे रहा है। यही कारण है कि ग्रामीण ही नहीं, शहरी विधानसभा क्षेत्र के कुछ एरिया में आज भी रोड नहीं बनाए गए हैं। वार्ड 21 के पार्षद संजीव दहिया ने कहा कि विराट नगर फेज 3 में तो हम रेवेन्यू रास्ते को पक्का करने की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन रास्ते तक नहीं बन रहे हैं। मीडिया में छपी खबरों के अनुसार इन कॉलोनियों में डेवलपमेंट के लिए निगम कमिश्नर आर के सिंह और मेयर अवनीत कौर ने सरकार से विशेष बजट की मांग भी की है, लेकिन नियमित होने के बाद सरकार की ओर से बजट भी मिलने लगेंगे, फिर डेवलपमेंट वर्क भी होगा। खबरों के अनुसार निगम के XEN प्रदीप कल्याण ने बताया कि 2018 में नियमित की गई 78 कॉलोनियों में अमृत योजना के तहत 253 करोड़ के डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं। 158 करोड़ से 328 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन भी डाली जा रही है। साथ ही 95 करोड़ से पेयजल के लिए पानी की पाइपलाइन दबा रहे हैं। सड़कें भी बन रही हैं। जनवरी 2023 में ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। वहीं मीडिया में छपी खबरों के अनुसार निगम के असिस्टेंट इंजीनियर और ATP दीपक राणा ने बताया कि सरकार का आदेश आने के बाद नगर निगम एरिया में सर्वे किया जाएगा। इसके बाद कॉलोनियों के नाम भी तय किए जाएंगे। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।